हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी होते ही कहीं ढोल बजाए जा रहे हैं तो कहीं टिकट मिलने की खुशी में पटाखे फोड़े जा रहे हैं। लेकिन कई नेता ऐसे भी हैं जो बीजेपी की लिस्ट से नाराज होकर पार्टी के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। टिकट न मिलने से नाराज रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनके अलावा हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी समेत बीजेपी के सीनियर नेता शमशेर गिल ने भी पार्टी से रिजाइन कर दिया है। बुधवार देर रात बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होते ही पार्टी के भीतर बगावत भी फूट पड़ी है। बताया जा रहा है कि पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को रतिया से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देने से लक्ष्मण नापा नाराज हो गए हैं, जिसके चलते उन्होंने लिस्ट जारी होते ही बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। नापा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली को अपना इस्तीफा भी भेज दिया है। लेकिन दुख हुआ कि किसी को अबलाइज करने के लिए लक्ष्मण नापा की टिकट काट दो, और विनिंग जो कैंडिडेट था 70-80 सरपंच मेरे साथ खड़े हैं। आज भी जनता, आज आप देखेंगे दिल्ली के अंदर जब मैं यहाँ कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहा हूँ शाम को, तो आप वहाँ अगर आएंगे देखेंगे तो लोगों का प्यार मुझे मिला है। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद लक्ष्मण नापा के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। सूत्रों की माने तो वो आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात कर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 90 में से 67 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 9 विधायकों का टिकट काट कर 25 नए चेहरों को मौका दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं उनका अगला कदम क्या होगा? क्या ये 9 मौजूदा विधायक बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस या दूसरे दलों में शामिल होकर बीजेपी की मुश्किल बढ़ा सकते हैं? सवाल ये भी उठता है कि अगर ये नेता या इनमें से कुछ नेता पाला बदलते हैं तो दूसरे दल उन्हें चुनाव में टिकट देकर बीजेपी के खिलाफ उतारेंगे। बता दें कि बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों का चयन इन सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर ही किया होगा। बावजूद इसके बीजेपी चुनाव में किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहेगी। बीजेपी चाहेगी कि कैसे भी इन नेताओं की नाराजगी को दूर करके अपने साथ बनाकर रखा जाए, क्योंकि बीजेपी इस बार हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाकर इतिहास रचना चाहती है। बताते कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, वहीं 8 अक्टूबर को चुनाव का रिजल्ट घोषित किया जाएगा।